DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. नकली सर्टिफिकेट दिखाकर भिक्षा मांगने वाले एक भिखारी का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक दुकान में चोरी के आरोप में पूछताछ के दौरान पुलिस के दबाव से आरोपी भिखारी ने आखिरकार 4 दिन बाद चुप्पी तोड़ी और अपना कारनामा गूंगी जुबान से बोल पड़ा। जानकारी के अनुसार गत 27 अप्रैल को करीब 2:45 कोतवाली थाना अंतर्गत वरुण सेल्स कॉरपोरेशन नामक दुकान पर शिकायतकर्ता वरुण दिनेश चंद्र शर्मा बैठे हुए थे। उस वक्त उनके हाथों में 2 सोने की अंगूठी जिनमें से एक 7 ग्राम की जिनमें नीले रंग का पुखराज लगा हुआ था, वहीं दूसरी सोने की अंगूठी जो की 6 ग्राम की थी और उसमें हीरा लगा हुआ था। इनकी कीमत लगभग 20,000 बताई गई है। उंगलियों में चल रही असुविधा के कारण अंगूठियों को उतार कर शिकायतकर्ता वरुण शर्मा ने पास ही टेबल पर रख दी। इसी समय उनकी दुकान पर आरोपी सुबा रेड्डी वेंकट स्वामी पहुंचा और खुद को गूंगा बताकर, जिसकी सर्टिफिकेट भी आरोपी के पास मौजूद थी, उसे दिखाकर आरोपी मदद के लिए भीख मांगने लगा। शिकायतकर्ता वरुण ने आरोपी को भीख देने से मना कर दिया। इसी समय बड़ी चालाकी से आरोपी सुबा रेड्डी ने सर्टिफिकेट की आड़ में हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए टेबल पर रखी अंगूठियों को उठा लिया और वहां से चला गया। इसके बाद अंगूठियों को ना पाकर फरियादी वरुण दिनेश चंद्र शर्मा ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए और आरोपी का पता लगाया। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को कब्जे में ले लिया गया। जब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने लगी तो आरोपी गूंगा होने का जबरदस्त नाटक करता रहा। करीबन 4 दिन तक आरोपी ने यह साबित करने की कोशिश की कि असल में वह गूंगा है और आखिरकार पुलिस की कार्रवाई के आगे हार कर 5वें दिन आरोपी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और तोते की तरह वारदात को अंजाम दिए जाने की बात कबूल ली। तो बताया गया कि आरोपी ने अंगूठियों को अपनी भिखारी टोली के साथ चोरी के 2 दिन बाद ही अपने तमिलनाडु के वेल्लूर जिले के गांव भेज दिया है। आरोपी द्वारा दिए गए बयान पर पुलिस उसके गांव पहुंची, वहां से अंगूठियों को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आगे की जाँच पुलिस कर रही है। दिनांक 27/4/2023 रोजी वरुण सेल्स कॉर्पोरेशन यादव चौक CA रोड इथे एक दुकान आहे। त्या दुकानाचे मालक वरुण दिनेश चंद्र शर्मा हे दुकानात हजर असताना त्यांनी त्यांच्या हातातील 2 सोन्याच्या अंगठ्या काढून काचेच्या काउंटरवर ठेवल्या होत्या। ते त्यांच्या कामामध्ये बिझी होते। काही वेळाने तिथे एक मूक बधिरचा कागद घेऊन देणगी मागण्यासाठी एक इसम आला। त्यांनी वरुण शर्मा यांच्याकडे देणगी मागितली, परंतु त्यांचं कामामध्ये ज्या लक्ष असल्याने त्यास त्याला देणगी देण्यास नकार दिला व त्यास जाण्यास सांगितलं। त्या इसम गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांनी काउंटरवर ठेवलेल्या त्या अंगठ्या दिसून आल्या नाहीत। त्यांनी दुकानातील फुटेज चेक केले असता त्यांच्या लक्षात आलं की मुखबधीरची देणगी मागण्यासाठी आलेला इसम हाताचे इशारे करत असताना त्यांनी तिथून 2 अंगठ्या चोरून नेलेल्या आहेत। त्यानंतर तपासादरम्यान तशाच प्रकारे तो इसम एका दुसऱ्या दुकानात परिसरात फिरत असताना गुप्त बातमीदारांनी माहिती दिली की तशाच वर्णाचा इसम हा परिसरात फिरत आहे। त्यास ताब्यात घेण्यात आलं। आरोपीचं नाव आहे सुप्पा रेड्डी वेंकट स्वामी, वय 43 वर्ष, राहणार प्रिय पल्लम वॉटर पल्लम टीटी मोटर्स, तालुका पेरणांबट, जिल्हा वेल्लूर, राज्य तामिळनाडू। हे इसम मागील 7-8 दिवसापासून नागपूर शहरात कळमना परिसरात मित्रांसोबत रूम घेऊन भाड्याने राहत होते। ते शहरात देणगी वगैरे मुखबधीरसाठी देणगी मागण्याचं काम करतात। दुकानातील किंवा घरामधील दुकानातील काही वस्तू, मोबाईल किंवा अशा मौल्यवान वस्तू चोरून नजरचुकीने उचलून घेऊन जातात, मालकाचं लक्ष नसताना चोरून घेऊन जातात। ह्यांची टोळी नाही आहे, हे प्रत्येक दुकानात किंवा अशा ठिकाणी देणगी मागण्याच्या नावाखाली मुखबधीरकरता देणगी मागण्याकरिता एकटे एकटेच फिरतात। हे तिथून नजरचुकीने जर मालकाचं लक्ष नसेल तर मोबाईल किंवा इतर वस्तू उचलतात व त्या त्यांच्या मूळ गावी जाऊन विकतात। सदर गुन्ह्यातील जो चोरी गेलेला 2 सोन्याच्या अंगठ्या आहेत हे वरिष्ठाच्या परवानगीने प्रिय पल्लम वॉटर पल्लम तालुका पेरणांबट जिल्हा वेल्लूर तामिळनाडू इथं जाऊन त्याच्या घरून जप्त करण्यात आले आहेत। त्यांनी 2 त्या सोन्याच्या अंगठ्या चोरल्यानंतर त्याचे काही मित्र हे गावाला निघाले होते, त्यावेळेस त्यांनी त्या अंगठ्या त्याच्यासोबत देऊन दिल्या होत्या। आरोपीवरती रेकॉर्ड एक 2018 मोबाईल चोरीचा जयपूर येथे गुन्हा दाखल आहे आणि याच्यामध्ये इतर कोणी आरोपी नाही। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।
Enroll now. For more details, call